करते हैं आप आसानी? हम प्रैक्टिशनर है, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ की प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप जी? कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। पर ये तो गैर कानूनी है। हाँ गैर कानूनी है। तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? ना, बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गांव-गांव में छाए हुए हैं, जड़ी बूटी का काम करते हैं। अच्छा, उनको बोलने दीजिए। अच्छा है? तो आपने ये काम कैसे शुरू किया? मैंने किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर सीखा और हाँ। सीखने के बाद में काम शुरू कर दिया। यही गांव में क्लिनिक खोल रखा? हाँ गांव में। अच्छा, तो कभी मान लीजिए मरीज बिगड़ गया, दवाई गलत हो गया था? नहीं, देखिए पांच चीज मेरे पास रहना चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। क्या पांच चीज? बेटनिसोल, डेक्सोना, एट्रोपिन, एविल और फेनार्गन। अब जरा इन पांचों का वो भी बता दीजिए, क्या क्या होता है? ये पांचों कटाउज है। हाँ। कोई भी दवा रिएक्शन करेगा, जैसा रिएक्शन करेगा वैसा कटाउज दिया जाता है। जैसे पानी चढ़ा रहे हैं, हाँ। मरीज को एक-एक जाड़ हो गया, हाँ। तो उसको एक घंटा के अंदर शरीर हीट करना है, हाँ। तुरंत उसको एट्रोपिन लगाएंगे, शरीर हीट हो जाएगा, मरीज को कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मान लीजिए बिगड़ गया तब? ऐसे तो MBBS से भी बिगड़ जाता है। हाँ। उसका तो मन है कोई। लेकिन ऐसे बताइए, अगर सब लोग गांव-गांव ऐसे डॉक्टरी करने लगेगा बिना पढ़े तो दिक्कत नहीं हो जाएगा फिर? नहीं, बिना इसके लिए सब लोग अखबार में जैसे लिखते हैं झोला छाप डॉक्टर। हाँ, झोला छाप। तो आपको बुरा नहीं लगता कोई आपको झोला छाप डॉक्टर बोलेगा? कैसे झोला छाप कैसे डॉक्टर बोल देगा? हाँ। वो जब आधी रात को तबीयत खराब होता है तो वहाँ हम मौजूद है, बिपिन अपने के लिए हम मौजूद है। बड़ा डॉक्टर सुई लिख देता है तो यहाँ देने के लिए हम मौजूद है, तो झोला छाप कैसे कह देगा? हाँ। नहीं तो कंपाउंडर जैसे सुई हुई तो कंपाउंडर? हाँ, कंपाउंडर ही बनकर हम सीखे हैं। हाँ, लेकिन अभी आप डॉक्टर हो? हाँ। डॉक्टर क्या नाम लिखते हैं? संजय। संजय, डॉक्टर संजय पास। डॉक्टर हम नहीं लिखते हैं, हम देहात में रहते हैं और दवाई देते हैं। अच्छा, आपने एक चीज